आत्मा दिने सबके तिलक लगाए जा रहे हैं। यमुना के किनारे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं, कहते हैं परीक्षित जी आज सातवां दिन है और तक्षक आएगा तुम्हें डसने के लिए। जब ये कहा कि तक्षक डसने को आएगा तो परीक्षित ने गुरु धन्वंतर से और ये 101 रुपए की माला से जो हार से सम्मानित किया है अर्पित भैया जी जो फरुखाबाद से आए हुए हैं। हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहे, ये अनुकंपा ये कांक्षाएं हैं। आज तिलक यमुना जी पर लगाए जा रहे हैं, परीक्षित जी बैठे हैं, सुखदेव जी समझा रहे हैं कि आज तक्षक आएगा परीक्षित जी तुम्हें डसने को। तो परीक्षित ने गुरु धन्वंतर से खबर करवाई, ये खबर मिली परीक्षित को कि गुरु धन्वंतर की जहां नजर पहुंच जाती है वहां जहर खत्म हो जाता है। और मालाओं का जो हार आया था ब्रजेश कुमार नगला जगन से और शकुंतला देवी नगला जगन से जो मुझे और शास्त्री जी को माला का हार यानी पहना कर सम्मानित किया। हाथ हमेशा धर्म की तरफ बढ़ते रहे, हमेशा प्रभु इन्हें दीर्घ आयु दे, सद्बुद्धि बनी रहे, ये अनुकंपाएं या कांक्षाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब गुरु धन्वंतर को ये खबर करवाई तुम आज परीक्षित के यहाँ चले जाओ, बोले क्यों? इसलिए आज उन्हें तक्षक डसने को आएगा और तुम्हारी जान नजर पहुंच जाती है, वहां जहर खत्म हो जाता है। और परीक्षित को जब तक्षक डसे तब तुम नजर घुमा देना तो परीक्षित जी पुनः जीवित हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और लोमक ऋषि का दिया हुआ श्राप झूठा हो जाएगा। और जब ये धन्वंतर ने सुना तो धन्वंतर चले गुरु परीक्षित को जीवित करने के लिए और उधर से तक्षक चला परीक्षित को डसने के लिए। अब धीरे धीरे चले आ रहे हैं परीक्षित जी, रास्ते में तक्षक और गुरु धन्वंतर की भेंट हो गई। और जब दोनों आपस में मिले तो तक्षक ने गुरु धन्वंतर से पूछा गुरु जी कहाँ जा रहे हो? बोले हम परीक्षित के घर जा रहे हैं। बोले क्यों? इसलिए उसे तक्षक डसने को आ रहा है और तक्षक दूसरा रूप धारण किए और गुरु धन्वंतर से बातचीत कर रहा है। जवाब दिया तक्षक क्यों आ रहा है? श्राप दिया है लोमक ऋषि ने कि सातवें दिन परीक्षित को तक्षक डसेगा और जब तक्षक उसे डसेगा मैं अपने शक्ति से परीक्षित को पुनः जीवित कर देंगे। बोले तुम्हारे पास क्या शक्ति है? जवाब दिया मेरे पास हमारी जहां तक नजर पहुंच जाती है वहां तक जहर नहीं रहता है। तक्षक अपने भेष में आ गया। जवाब दिया गुरुजी अगर ऐसी बात है तो दो दो हाथ यहीं पर हो जाए और इसी के बीच में अच्छा बंस जी हमारे भतीजे बंस की तरफ से ये मालाओं का हार जो आया है हमारे पास हमारे बड़े भाई का लड़का है राम जी यादव जी जो हमारे ही दाऊ के लड़का है उन्हीं के सौजन्य से पहले भी भागवत हुई थी हमारी यहाँ और अब की बार फिर बुलाया गया। अब जैसा भी है जो कुछ भी है भागवत तो हुई बहुत अच्छा आपने सम्मान किया सब कुछ ठीक है। इन बंस की तरफ से जो माला का हार आया है हमेशा अपने मम्मी का और अपने पापा का नाम रोशन करें आगे चल के यही भगवान से निवेदन करते हैं। ये अनुकंपा या आकांक्षाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और शास्त्री जी के जो गले में माला डालकर सम्मान दिया है यानी अच्छा जो हमारे दाऊ के लड़का हैं राम जी यादव इनकी बीबी हमारी भाभी जी और उनकी बहन हमारी को भाई अब छोड़ो उनकी तरफ से हार आया है। हमेशा धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे ये अनुकंपा या कांक्षाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज तक्षक ने जवाब दिया कि दो दो हाथ गुरु जी यही हो जाए। बोले कैसे? जवाब दिया कि मैं इस वृक्ष में फुसकार लगाएंगे जो वृक्ष हरा भरा है ये सूख जाएगा और अगर तुम में थोड़ी सी भी शक्ति है तुम्हारी नजर में तो तुम नजर घुमाओ, अगर पुनः पेड़ हरा भरा हो गया तो हम जान लेंगे तुम परीक्षित को जीवित कर दोगे। यही किया तक्षक ने फुसकार लगाई वृक्ष जल गया और
गुरु धनवंतर ने जैसे ही नजर घुमाई तब वो पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक ने सोचा बाजी बा हमें ऐसा लगता है अगर परीक्षित वहां परीक्षित के पास गुरु धनवंतर पहुंच गए तो परीक्षित जी जीवित हो जाएंगे और वो श्राप जो लगा हुआ है वो झूठा हो जाएगा, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। आज वहां से प्रणाम करके गुरु जी धनवंतर को तक्षक आगे बढ़ा और गुरु से थोड़ी उसने छल किया, एक छड़ी का रूप धारण करके और रास्ते में लेट गया। इतनी सुंदर छड़ी है, गुरु धनवंतर की नजर पहुंची बगैर सोचे समझे छड़ी को उठाया, अपने कंधे पर रख लिया और जैसे ही कंधे पर रखा प्रभु की ऐसी लीला, वो जो छड़ी बना हुआ तक्षक था एकदम सर्प बन गया और पीठ पीछे गुरु धनवंतर को उसने काट लिया। और जब पीठ पीछे काट लिया अब गुरु धनवंतर ने बहुत कोशिश की लेकिन पीठ पीछे उनकी नजर नहीं पहुंच सकती थी। अब गुरु धनवंतर बहुत परेशान हुए, हैरान हुए, अपने चेलाओं को बुलाया और जवाब दिया देखो मेरे साथ तो इसने बहुत गलत किया, अब अगर हमारे जैसे तुम बनना चाहते हो, हमारे जैसी विद्या तुम्हारे पास आ जाए, ये कभी समाप्त ना हो, तो समझाकर बोले तुम ऐसा करो हमारे कहने पर। जवाब दिया तुम हमें जमीन में गाड़ दो और ढांक बजाओ। और जब ढांक के लिए कहा तो 14 सचेला देर नहीं की गुरु जी की आज्ञा से एक गड्ढा खोदा और गुरु जी को उसमें दाब दी यानी बंद कर दिया और ऊपर सभी चेला ढांक बजाने लगे और गाते हुए बोले। और तक्षक ने जब देखा तो तक्षक भी देखो क्या करेगा, अरे मीठी बोली को सर्प ने डस लिया, तुमने गड्ढे में ने बंद कर दिया, अब तुम्हें ये ज्ञात है गुरुजी जीवित हैं या नहीं है, वे तो मर गए। और जब गुरुजी तुम्हारे मर चुके या हैं नहीं, फिर उनका प्रक्रिया चालू करो, उन्हें अग्नि देने के लिए सोचो, तो तुम गड्ढा में दाबे दाबे उनको सड़ा दोगे क्या? तुम्हें कभी यानी पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी तुम अपने गुरुजी के साथ ऐसा करोगे। तक्षक ने उल्टी विद्या दे दी, चेलाओं ने न कुछ सोची न समझ
जी और गुरु धर्मांतर को जिस गड्ढे में बंद किया था एकदम से मिट्टी हटाकर बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाला धनवंतर बोले मूर्खो इसके कहने पर और तुमने अब बहुत गलत कर दिया, अब हम नहीं बच सकते। अगर आज और तुम ढाक बजाते रहते तो ये मजबूरन मुझे जीवित करता तक्षक, लेकिन इसने अपनी बाजी तुम्हारे ऊपर फेंक दी, अब हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन हमारे जैसे अगर तुम होना चाहते हो, परीक्षित को जीवित करना चाहते हो, तो एक काम और करो। बोले क्या? तुम हमारे मांस को और छोटा छोटा टुकड़ों में बांट कर और हंडियों पर पका कर खा जाओ। तो अरे होई हो चौदह अगर तुम हमें छोटा छोटा हंडियों पर पका कर खा जाओगे तो जिस तरीके से हमारी नजर काम करती है उसी तरीके से 1400 हमारी तरह शक्तिशाली बन जाओगे। और जब ये कहा तो देर नहीं की चेलाओं ने गुरुजी का मांस हंडियों पर रख दिया पकने के लिए। और जब मांस पकने लगा तब अब तक्षक को पुनः चैन नहीं है, बोला अगर ये इन्होंने मांस को खा लिया तो अब तो हम एक सही परेशान है, फिर तो 1400 धनवंतर हो जाएंगे, फिर हमारी पेश नहीं जाएगी, हमें अभी कुछ करना होगा। और रूप छुपा करके तक्षक पुनः चेलाओं के पास में पहुंचा। और जब चेलाओं के पास पहुंचा जवाब दिया मूर्खो तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। बोले क्यों? एक बात बताओ, गुरुजी ने तो ये सोच लिया कि हमारी तो मृत्यु होगी, अब वे तो मरिए गए। और जब गुरुजी मर गए और गुरुजी ने तुमसे कहा कि उनका मांस तुम खा लो, और भला तुम अपने गुरु का मांस खाओगे तो बताओ तुम्हें नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा? चेला बोले गुरुजी का अगर मांस खाएंगे तो वास्तव में नरक मिलेगा, और जब नरक मिलेगा तो तुमने क्या अपने गुरु की सेवा इसीलिए की थी जो आज मरने के बाद भी चेलाओं को दुख देकर जा रहे हैं? बोले तो क्या करना चाहिए? जवाब दिया हंडियों को उठाओ और इसी यमुना जी के तीर फेंक दो। जब ये कहा फिर चेलाओं के ऊपर बाजी चली गई तक्षक की, हंडियों को उठाया यमुना जी में फेंक दिया तो बही हंडियां वहां से बहती हुई और बंगाल में पहुंची। बंगाल में एक धोबिन अपने पति से रूठकर मरने के लिए आई और वो हंडियों को उस बंगाली ने जब देखा तब हंडियां जैसे ही उस स्त्री की नजर पड़ी तो एकदम से भाग पड़ी, देर नहीं की उसने। कि हड़िया पर गईया तो खुशी होगा तहियो लसायो आम इसको लो पहचान रे धोबिन ने फौरन Oh!
धर्मांतर के मांस को पहचाना तो सीख डाल कर उस धोबिन ने खा लिया, तभी तो प्रमाण ये मिलता है कि अपने यहाँ से जो भी बाबा जी के नाती जो यश यादव माला डालकर सम्मानित कर रहे हैं, आगे चल के पापा मम्मी का नाम रोशन करें और लला के हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहें, ये अनुकंपा ये आकांक्षाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज उस धोबिन ने उस आमिष को जब खाया तो अपने यहां से जादू बंगाल में चला गया। इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं क्या सातवां दिन तचक डसने को आएगा। शाम हुई तो महाराज परीक्षित अपने महलों के लिए गए और जब अपने महलों के लिए गए मैया नबल दे अपने पति की मृत्यु सोचकर बहुत दुखी है, परेशान है, सोच रही है कि अब पता नहीं हमारा भैया हमारे पति को नहीं छोड़ेगा। तो आज उस पतिव्रता ने अपनी पतिव्रता शक्ति से जिस महल में परीक्षित और नबल दे रुके हुए हैं चारों तरफ